रादौर के गांव में शरारती तत्वों ने लगाए बीजेपी के नो एंट्री के बैनर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों का राजनीतिक दलों के प्रति विरोध जताने के भी मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला रादौर के गांव पालेवाड़ा का है, जहां पर अज्ञात लोगों द्वारा गांव के बाहर बीजेपी विरोधी पोस्टर लगा दिए गए हैं। हालांकि गांव के लोगों ने कहा कि इन बैनरों से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। वहीं गांव के सरपंच के परिजनों का आरोप है कि यह शरारती तत्वों का काम है और गांव को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है। आपके गांव में दो बैनर लगे हैं जिसमें बीजेपी विरोधी का दर्शाया गया, क्या है उनकी सच्चाई? सर, इसका मेरे को कोई पता नहीं था और ये किसी शरारती तत्व ने लगाए होंगे, जो किसी ने करे होंगे। हमारे गांव में कोई ऐसी कोई वो नहीं है अभी तक, नहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है। बीजेपी विरोधी की ऐसा कुछ ना, ऐसा कोई कुछ नहीं। क्या मानते हैं हम, क्या ये विपक्ष का भी हो सकता है? विपक्ष का भी हो सकता है, विपक्ष वालों ने गांव के बदनामने के लिए भी करे हो कहते। तो अब क्या रखेगा आपका? इनको बैनरों को हटवा देंगे यहाँ से, ऐसे कोई स्थिति नहीं है गांव में अभी। हाँ, ऐसी कोई स्थिति नहीं है गांव में। क्या मानते हैं कि लोगों का काम हो सकता है और ये क्यों किया गया? ये शरारती तत्व का होगा या फिर दूसरी पार्टी का भी हो सकता है, गांव को बदनाम करने के लिए। जैसे ये गांव जो है किस जाति से संबंध रखता है? ज्यादातर राजपूत भी हैं जी, पंडित जी भी हैं इसमें, सारी बरादरी तो सभी हैं इसमें जी जी। ज्यादा राजपूत हैं इसमें। तो ये राजपूत समाज को बदनाम करने के लिए भी? हाँ, ऐसा भी किया सकता है ताकि सरकार में गलत छवि जाए। हाँ, गलत छवि जाए राजपूत के खिलाफ, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी इनको उतारा दिया जाएगा? हाँ, उतार दिया जाएगा इनको।